Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good. Welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्किन केयर रूटीन के बारे में. मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि मैं मॉर्निंग और नाइट रूटीन में क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. आप लोगों से सब कुछ मैं शेयर करूंगी और बहुत सी गर्ल्स की रिक्वेस्ट भी थी कि आप हमसे शेयर करें कि आपकी इतनी ग्लोई और ब्राइट स्किन किस तरह है, आपको कोई एक्ने नहीं होती. तो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग की अगर ऑयली स्किन भी हो या फिर आपकी ड्राई स्किन भी है तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं वो बता दूंगी जो भी आप लोग की स्किन के लिए बेस्ट हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ये जो भी मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को जो है सूट करते हैं. मेरी स्किन जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा कि थोड़ी सी सेंसिटिव है और ऑयली स्किन है मेरी, और आप लोग परेशान ना होइएगा. ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ड्राई स्किन वालों को भी मैं रिकमेंड करूँगी जो उनके लिए बेस्ट होंगे. ये प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन वालों को भी यूज़ करते हुए देखा है, उनको भी ये सब प्रोडक्ट सूट किए हैं जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हो. तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन में यूज़ कर रही हूँ वो ये लॉरियल का वाइट परफेक्ट प्योरीफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश है. ये फेस वॉश जो है मैं सिर्फ ऑयली स्किन वालों को रिकमेंड करूंगी और ड्राई स्किन वालों को नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपके फेस से सारा ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई और ब्राइट कर देता है, ठीक है. और ड्राई स्किन वालों को ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई होती है, तो ये आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई कर देता है, इस वजह से मैं उनको ये रेकमेंड नहीं करूँगी. फेस वॉश के बाद जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो ये टोनर है. ये टोनर BNB डर्मा का है. ये पेज आपको इंस्टा से आराम से मिल जाएगा. इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और मेरी स्किन को भी ये सूट करते हैं, और इसके ऊपर मेंशन भी है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है. मैं इसको जब मेरी स्किन डैम्प होती है फेस वॉश के बाद तो मैं इसको फ़ौरन लगा लेती हूँ, थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके और डैम्प स्किन पे आराम से लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में मैं ये हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ. ये भी BNB डर्मा का है. ये भी आपने अपनी डैम्प स्किन पे ही यूज़ करना है. मैं इसको टोनर लगाने के फ़ौरन बाद इसको अप्लाई कर देती हूँ अपने फेस पे. अब हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, वाटर लेवल बैलेंस करता है, और इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है. इसलिए आपकी स्किन के लिए बेस्ट है. अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं. ये विटामिन सी सीरम्स हैं. एक BNB डर्मा का है और ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है. ये दोनों बहुत बेस्ट हैं. मैं इनको ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ करती हूँ. जब मुझे ये यूज़ करना होता है तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, जब मुझे ये यूज़ करना होता है तो मैं इसको स्किप कर लेती हूँ. दोनों बहुत बेस्ट हैं, ठीक है. अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपने हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करने के बाद लगाना है. तो हम बात करते हैं विटामिन सी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. विटामिन सी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्नी मार्क्स, अनइवन स्किन टोन को बैलेंस करता है. आपकी स्किन पे कोई भी एक्नी मार्क हो, कुछ भी किसी किस्म का कोई दाग है या कोई भी स्पॉट है, वो आपके स्किन को अच्छे तरीके से इसको साफ कर देता है. विटामिन सी सीरम अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जो भी आपके पास पड़ा है आपने वो लगा लेना है. मेरे पास यहाँ पे BNB का है, ठीक है. BNB का ये मुझे बहुत सूट किया था ये सनस्क्रीन. ये मैंने यूनिवर्सिटी में भी बहुत लगाया है, हर जगह मैं लगा के जाती हूँ इसको, और इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है और रीजनेबल प्राइस है इसकी, ठीक है. आप लोग को ऑर्डर कराना हो तो आप लोग ज़रूर कराइएगा, ये मैं रेकमेंड करूँगी आपको, ठीक है. चलें जी अब बात करते हैं नाइट केयर की. तो सबसे पहले मैं ये वाला लॉरियल का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, उसके बाद टोनर यूज़ करती हूँ, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं ये नायसिनमाइड यूज़ करती हूँ. अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं. तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो नायसिनमाइड हैं. एक मेरे पास हीरा अली का है और एक BNB डर्मा का है. ये दोनों मेरी तरफ से रेकमेंडेड हैं. इन दोनों को भी मैं ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर लेती हूँ, कभी इसको कभी उसको. अब नायसिनमाइड का क्या काम होता है, ये आपकी स्किन को इवन करता है, आपकी स्किन से स्पॉट्स हटाता है, आपकी स्किन का टेक्स्चर इम्प्रूव करता है. इसका मेन काम जो है वो आपकी स्किन से एक्नी रिमूव करना और उसे प्रिवेंट करना है. इसलिए मेरे फेस पे आपको कोई भी एक्नी वगैरह आपको नहीं दिखती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत क्लीन है, वो इसकी वजह से है. इसको मैं अपनी स्किन केयर में इसलिए शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभार थोड़ी बहुत एक्नी हो जाती है फेस पे, तो उसको रिमूव करने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. और कभी कभार तो ये एक्नी आने ही नहीं देता मेरे फेस पर बिल्कुल भी, और आपके अगर कोई एक्नी मार्क रह जाता है तो वो भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल भी एक्नी मार्क नहीं छोड़ता आपकी स्किन के ऊपर.
तो ये बेस्ट है, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है और ये मैं ऑयली स्किन गर्ल्स को ज्यादा रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये उनके लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो मैं एंड में मॉइस्चराइजर कोई भी लगा लेती हूँ। रात का टाइम होता है, सोना होता है, हमारी स्किन को थोड़ा सुकून चाहिए होता है, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी है। तो ये न्यूट्रोजिना का मॉइस्चराइजर मैंने अपनी स्टोरी पे भी मेंशन किया था और मेरी फॉलोअर्स ने भी इसको यूज़ किया था, उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। तो ये मैं ऑयली स्किन गर्ल्स को रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है फुल और कोई भी एक्नी वगैरह नहीं होती आपकी स्किन को, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा मैं ये पॉपी पेटल का सीरम जो है यूज़ कर लेती हूँ, फेस सीरम। ये भी बहुत अच्छा है आपके फेस के लिए, ये आपके फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज भी कर देता है और बहुत बेस्ट है ये भी, और रीज़नेबल भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ये भी ऑर्डर करा सकते हो। ठीक है, आईज़ के लिए मैं ये प्यारी सी क्रीम यूज़ करती हूँ, ये B&B की है आई क्रीम। ठीक है, ये रात के वक्त मैं जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ उसके बाद मैं ये लगा लेती हूँ। ये बहुत अच्छी है और इसको कुछ ही दिनों में लगाने के बाद आपको फील होगा कि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़े लाइट हो रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते लेकिन ये बहुत लाइट उनको कर देता है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और ये रीज़नेबल भी बहुत ज़्यादा है, सबसे अच्छी इसकी बात ये है। लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं, लास्ट स्टेप में मैं लिप स्क्रबिंग करती हूँ, लेकिन ये मैं डेली नहीं करती, ये मैं कभी कभी करती हूँ जब मेरी स्किन को लिप्स को जो है ज़रूरत होती है लिप स्क्रबिंग की, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये पॉपी पेटल का लिप स्क्रब है, ये बहुत अच्छा है और रीज़नेबल भी है। और उसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ, ये बेबी लिप्स है मेबेलिन की, ये बहुत अच्छी है और ये लिप्स को बिल्कुल पिंक सा कर देती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा ये B&B की मैंने रिसेंटली ऑर्डर कराई थी, स्टोरी पे भी लगाया था आपको पता होगा, और ये भी काफ़ी रीज़नेबल थी और अच्छी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी ये है, ये मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगी, ये मेबेलिन की बेबी लिप्स, जिनके भी ड्राई लिप्स हैं वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रूटीन शेयर करने लगी हूँ जो ना ही मेरी डेली रूटीन है, ना मेरी मॉर्निंग रूटीन है, ना ही मेरी नाइट रूटीन है, बस ये प्रोडक्ट्स मैं तब यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है, मंथ में कभी कभी कर लेती हूँ या वीक में कभी कर लेती हूँ, बट यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये ऑर्डिनरी का पीलिंग सॉल्यूशन है, ये इस तरह के पैकिंग में आता है और इसको हम लोग 10 मिनट फेशियल भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव है, बट जब मैंने इसको यूज़ किया था थोड़ी सी इचिंगनेस आपको फील होती है, बट 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको वॉश आउट भी करना होता है, और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, आपकी स्किन से डर्ट पोल्यूशन कुछ भी आपकी स्किन पे हो आपकी स्किन की लेयर को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो इसको मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का, तो मैं इस एक बॉटल को थोड़ी देर के लिए यूज़ करती हूँ 10 मिनट्स के लिए, और मेरा फेस जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो ये बेस्ट है, ये मैं कभी कभी इसको यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी इसे एज अ फेशियल यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं इस क्लिंजर की, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे रेगुलर फॉलोवर हो तो आपको पता होगा कि ये मुझे कितना पसंद है ये क्लिंजर, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने तो आप सिर्फ ये क्लिंजर यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा मैं इसके साथ ये रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। सिंपल पानी आप ना यूज़ करें, आपको मैं रिकमेंड करूँगी ये रोज़ वाटर यूज़ करें, मरहबा का कर लें या सईद गनी का कर लें, जो भी आपको सूट करता है आप लोग वो ले लो। तो इस तरीके से मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। तो ये थी जी हमारी स्किन केयर रूटीन। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि इसकी आधी बॉटल तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, तो मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि ये सब प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, मैं आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो इन प्रोडक्ट्स का शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने अच्छे तरीके से इनको यूज़ किया है, अपना एक्सपीरियंस जो है वो किया है, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये सूट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स तो आप लोग ज़रूर इनको परचेज करो। सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को रिप्लाई करूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम लोग